हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अभी जो हो रहे हैं सुबह के 9:10 हो रहे हैं। तो अभी मैंने नहा लिया, जस्ट अभी नहा के आया हूँ। तो आज का जो प्लान है, आज हम जा रहे हैं सिब्बी के घर, तो वहीं से देखेंगे कि कहाँ जाना है। और अभी जो सुबह बारिश भी हुई थी 5-6 बजे, तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। तो बहुत ठंड हो गई थी और पानी भी इतना ठंडा हो गया नहाने के लिए। कल तो मैंने गर्म पानी से ही नहाया था, बट आज मैंने ठंडे पानी से नहा लिया। और किर्दू इधर घूम रहा है, ये भी नहा लिया सुबह सुबह। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? छी छी छी, रख दो रख दो। तो अभी का जो प्लान है, वैसे हमारा आज ट्रैक का प्लान था, बट अभी शायद वो परसों हो, क्योंकि अभी जो आ रहे हैं हम सिब्बी के घर जा रहे हैं। तो सिब्बी मेरे पिछले व्लॉग में भी आ रखा है, जब हम सीपी में हमने व्लॉग बनाया था। तो सिब्बी के घर जा रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि लेट हो रहे हैं। अभी हमारा जो प्लान है यहाँ से ट्रेन में जाने का है, तो ट्रेन में जाने के लिए यहाँ से हमें बाय वॉक ही जाना पड़ेगा, तो 10-15 मिनट का रास्ता है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करें ताकि छूटे ना, नहीं तो हमें बस से जाना पड़ेगा। बस से तो हमने ट्रैवल कर लिया है, तो यहाँ पे हमें ट्रेन का भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। तो अभी मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जैसा भी होता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए बाय, और फिर आप ब्लॉग को एंजॉय करना। तो यहाँ हो गए हम रेडी, बस मेरे को शूज वेयर करने, और सारे हो गए रेडी। और कल से मेरा ये 6ठा 7वां आम है, इतने मैंने आम खा लिए। और दीक्षा भी होगी रेडी, बस इसे बाल्टी की जरूरत है। सनीदेव सनीदेव तो अभी चलते हैं, सब रेडी हो गए, सारे रेडी हो रखे हैं। और सजल नीचे गया है, अंशु कर रही लेट। नहीं, उसकी ड्रेस है ना, तेरा बिल्कुल एकदम प्रॉपर वही वाला बना पड़ा है। तो अभी निकलते हैं, और कुछ चेंज आया है, तो वो चेंज क्या है अभी थोड़ा प्लान में वो आपको बाहर जाके बताता हूँ। तो निकलते हैं, अभी थोड़ा एक दो जने बचे हैं रेडी होने के लिए, फिर जैसे ही वो रेडी हो जाते हैं। और बारिश का मौसम भी हो रहा है, बादल आ गए, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं होता है, कभी भी बारिश हो जाती है एकदम से धूप। और कल अच्छा मौसम था, एकदम से बारिश हो गई, तो बट जो भी है अच्छा लग रहा है, वेदर एकदम ठंडा हो रखा है। तो चलते हैं बाहर, और फिर मैं आपको मिलता हूँ कि क्या चेंज आया है प्लान में, फिर वो आपको बताऊंगा। अभी इनको नहीं बताया है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। जब तक मैं आम खा लेता हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये भी रेडी हो गए सारे, और जब तक मैं आम को एंजॉय करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये सारे हो गए रेडी, चलते हैं नीचे। भाई ये बैग नहीं छोड़ रहा, जब से लगा पड़ा है सबके बैग पलटने में। तो बस हमें उधर से लेनी है, और प्लान में ये चेंज था कि पहले हम ट्रेन से जा रहे थे, तो उसका जो टाइमिंग था वो 2:30 बजे का था, इसलिए अब बस से जा रहे। ओ भाई साहब, तो वो बस भी आ गई अब हमारी, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हमें, यहाँ पे हो गए 20 से 25 मिनट, और ये बस आ गई। सारा सामान रखते हैं जल्दी से, फिर आपसे मिलते हैं। जमुए दिराए चंबा। तो वाली बस से हम उतर गए थे पालमपुर, अब ये वाली बस ले रहे हैं, तो ये वाली जाएगी, अब कितनी देर में चलती है वो देखते हैं। तो ये पालमपुर का बस स्टेशन है, तो जो भी सारी बस ऑलमोस्ट जाती है तो पालमपुर से यहीं से जाती है। तो यहाँ से अभी हमें जहाँ जाएंगे वो 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं और सिद्धि से मिलते हैं, और आपको भी मिलाता हूँ, क्योंकि वही हमें घुमाने वाला है, क्योंकि हमें इतना पता नहीं है। तो चलते हैं वहाँ पे। तो अभी बस से हम उतर गए, इधर सजल खड़ा है और सारे उधर खड़े, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अभी
वैन बुक करी है, मतलब एक से बात करी थी भाई से, तो वो आने वाले फिर उनके साथ ही जाएंगे। और बारिश बहुत तेज हो गई है तो शायद आज तो घर पे ही रहेंगे, कहीं जाने का है नहीं। बस ये बारिश बंद हो जाए, नहीं तो हमारा सारा जो भी हमने सोचा इधर उधर जाने का वो सारा कैंसिल होता रहेगा। और इतने हम पे टाइम नहीं है क्योंकि 3-4 दिन और बचे हैं, तो हमें इसी में जितना हो सके उतना घूमना है। तो देखते क्या होता है क्योंकि यार बारिश का यहाँ पे पता नहीं है, जैसे कि अभी ठीक था अब एकदम से इतनी तेज बारिश हो गई। तो वैन भी आ गई, इसी में बैठेंगे और यहीं से जाएंगे, थोड़ा पास नहीं है। तो मैं आ गया था सिटी के घर और हम पे हो गया 2-3 घंटे हो गए हमें, बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो इसलिए मैं ब्लॉग करा नहीं था। और मेरा सिटी के टी एम लेके आ रहा था 450 और ये सामान लेके आए, अभी हम कुछ बनाएंगे खाने पीने के लिए। और वेदर बहुत मस्त हो गया, अभी हम जाएंगे और अभी सिप्पी ले जाने वाला है कहीं घूमने, मतलब मैं और सिप्पी जाने वाले हैं बस भाई आसपास। आज भी प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश हो रही है। और यार यहाँ के देखो रोड क्या मस्त है, ये मधुमक्खी नहीं, ये मधुमक्खी बहुत लगी है शायद। और पूरा सामने एकदम मस्त बादल, अभी हट भी गए ना तो पूरा वहां से हिमालय भी दिख रहा था। वही दिखेगा तो दिखाऊंगा इधर से, मस्त व्यू आ रहा है एकदम। अगर आने वाला हूँ अपने बाइक में, ये क्योंकि बहुत सारा आधा सामान इसमें रखते हैं, बहुत काम की चीजें बाकी है। ओ भाई साहब देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है। के दूर है चंबा है कितनी के दूर। तो पहुंच गए हम घर, अब थोड़ी देर में मिलते हैं। तो सिप्पी और मैं अभी जा रहे हैं कहीं लोकेशन पे, मतलब सिप्पी लेके जा रहा है, फोटो वोटो क्लिक करेंगे। तो क्योंकि घर पे भी बोर हो रहे थे और वो सब तो चले गए, मैं थोड़ा दूर था तो पैदल जा नहीं सकते थे, इसलिए सिप्पी ने बोला कि तू चल दे मेरे साथ, तेरा व्लॉग भी बन जाएगा और फोटो भी क्लिक कर लेंगे। मेरी क्या दिस में खता, चलते चलते अभी बहुत दूर आ गए, अभी पता नहीं और कितनी दूर है। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई, ये हिमालय भी दिख रहे हैं और ये बहुत हाइट पे है ऊपर, तो यहाँ पे ना ठंड भी लग रही है, मतलब हवा बहुत ठंडी है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ से जो है पैदल चलना है। तो यहाँ से कुछ ऐसा है, पूरा यहाँ पे सुनसान हो रखा है और ये कुछ ऐसी सामान किधर को जाना है इस साइड। क्योंकि भाई कल का क्या है कि हमारा कुछ कंफर्म नहीं है कि हम ट्रैक करेंगे या नहीं करेंगे बंद। तो भाई अभी हम नीचे आ गए, ओ तेरी पानी का फ्लो देखो भाई, तगड़ा चल रहा है इधर तो सीन है। स्वेटर निकालो भाई, यहाँ हो रही है ठंड, तो यहाँ बहुत तेज ना हवा चली, बारिश भी हुआ, वैसे भी थोड़ी है हाइट पे तो इसलिए यहाँ पे ना ठंड लग रही है। मैं भी हाफ पहन के आ गया बट मेरे रोंगटे खड़े हो गए पूरे। सिप्पी तो ले आया था भाई अपना, मुझे पता था भाई मेरे को भी ले आना था, ऐसे ही रख दे। तो गाइस हम कहाँ हैं इस टाइम में, भाई जगह का नाम क्या है? इस टाइम हम हैं विद्यावासिनी, ओल्ड विद्यावासिनी, ओल्ड विद्यावासिनी, विद्यावासिनी या ब्रो विद्यावासिनी ब्रो। भाई बस ये बहुत ये ना, मतलब अभी कैमरे में इतना अच्छा लग ही नहीं रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। चलो गाइस आपको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कैमरे में नहीं लग रहा ये कुछ भी, मतलब इतने बट ये जो रियल में यार मतलब लग रहा है ना, जो रियल में आ रहा है। और यहाँ से एक क्रॉस करना है, ओ भाई यार मतलब मजा आ गया। अगर सिप्पी भाई लाता नहीं ना तू, अगर तू लाता नहीं ना तो ये चीज नहीं देख पाता मैं, सच बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा ना और इसलिए हमारे साथ में आए क्योंकि यहाँ आने के लिए या तो अपने व्हीकल होने चाहिए
तो बाइक थी जो अभी वो एक ही थी, तो सिद्धी ने बोला चल मैं तेरे को घुमा के ले आता हूँ। भाई कुछ ऐसा सिद्धी बोला क्योंकि मैंने सिद्धी को दिल्ली घुमाया था, तो इसलिए मैं तेरे एहसान वो कर देता, चुका देता हूँ। ऊपर सारे ना कैफे हैं, तो अभी ऊपर चल रहे हैं हम और कैमरा कुछ फोटो शूट करेंगे। ये वैसे जो है पालमपुर से, पालमपुर में ये या पालमपुर के आगे सिद्धी, ये पालमपुर के आगे है। और ये देखो इतनी तेज पानी आ रहा है, बट लोकेशन बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा। वो नीचे से हम चल के आए भी, ये साथ साथ में एक ट्रैक भी हो गया छोटा सा ही, सही पर सही है। हैबिट नहीं अभी इतने चलने के ना, तो अभी से सांस होगी भाई। ओ भाई ये कैफे है छोटा सा, हमें चलते अंदर। शूज उतारने पड़ेंगे, उतार देते हैं भाई। नेटवर्क गए हैं, ये छोटा सा कैफे बना रखा है इस साइड। ये नित्य कैफे है और इनके ये प्राइज है सारे, ये सारे मेन्यू इनके प्राइजेस लिखे हुए हैं, नाम है नित्य कैफे। कितनी महंगाई बढ़ गई है हाँ तो इस साइड अंदर भी है। ओ वाओ यार, बोल बोल यार आज कर। हाँ ये सारी पेंटिंग कर रखी है ना, बहुत अच्छा बन पेंटिंग कर रखी है। हैं हाँ कर्म करो कांड नहीं। थोड़ी फोटो क्लिक कर लेते हैं और एक दो चीज हमने ऑर्डर करी है तो वो आएगी, फिर देखते जब तक हम फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे मैगी और फ्रेश लाइम मंगाया और हमने खूब सारी यहाँ पे फोटो भी ले ली है, और वो जो वहाँ पे सिप है उनके साथ भी, और अभी और भी फोटो लेंगे, काफी अच्छी अच्छी फोटो आ रखी है तो मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और अभी जल्दी से खा लेते हैं फिर चलते हैं, थोड़ी फोटो और लेनी है फिर निकलेंगे घर के लिए। ये देखो यहाँ पे ईगल के, रियल ईगल के हैं ये, पूरे विंग्स है और काफी अच्छा लग रहा है। फोटो क्लिक कर ली हमने, और फोटो क्लिक करी हमने कुछ अच्छी अच्छी सी, और अब टाइम भी हो गया अंधेरा होने वाला है तो अब घर चलते। और ये देखो कितनी हाइट पे, वहां से जाना है हमें, बाइक हमने उधर ही खड़ी कर दी थी। और ये टी शर्ट अभी चेंज कर ली क्योंकि अभी फोटो क्लिक करी थी, और अब हो गया टाइम्स। और सिर्फ भी कैमरा भी लाया था स्पेशली फोटो क्लिक करने के लिए कि चलते हैं, तो अब चलते हैं नीचे। कैंप है पूरा इस टाइप का, तो यहाँ पे आप आके स्टे कर सकते हो। ये सारे रूम हैं, सबके अलग अलग प्राइस है। तो अभी मैंने ऐसे थोड़ा बहुत पूछा तो भैया बोल रहे हैं 5,000 रुपये, मतलब 5 बंदे स्टे कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड कुछ नहीं है, खाना वाना वो आपका अलग से होगा। तो ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ से स्टार्ट है, बट अच्छा है, कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं घर, देख लिया जितना था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब घर चल रहे हैं, तो अब कुछ है नहीं दिखाने के लिए, आपको दिखा दिया दोनों कैसे जो थे जैसे भी थे। तो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय। एक बार व्यू देखना भाई बढ़िया सा।